वेलकम टू इनसाइट ईकी, जहां हम आपको बिजनेस की स्ट्रेटजीज और इनसाइट्स के बारे में बताएंगे जो कि एक स्टार्टअप को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचाता है। रही बात स्ट्रेटजी की, तो ये बनती कैसे है? इसके लिए काफी सारे एलिमेंट्स लगते हैं एंड ऐसा एक एलिमेंट है डेटा। डेटा कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ, नंबर्स, टेक्स्ट, एनीथिंग, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बाद में एनालाइज कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं और इसी को हम कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा का एक बिजनेस में काफ़ी सारी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक मार्केट रिसर्च। अगर हम मार्केट रिसर्च को समझें तो हम उसमें कस्टमर बिहेवियर समझते हैं, मार्केट ट्रेंड समझते हैं एंड इसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो कस्टमर इनसाइट्स, ये बेसिकली B2C बिजनेस करते हैं जिसमें वो अपने टारगेट कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली लोकलाइज कर सकें एंड इस हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। डेटा का काम ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें वो अपनी सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को चेक कर पाते हैं सो दैट वो अपनी प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड को बढ़ा सके। डेटा का इस्तेमाल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी हो सकता है, उसके लिए हमको कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करने होते हैं एंड देन हम उसका डेटा रिकॉर्ड करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारा काम सही से चल रहा है या नहीं। इनफैक्ट डेटा का रोल हम अपने AI टूल्स को ट्रेन करने के लिए भी कर सकते हैं, जिस वजह से हम अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड अपनी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब हम इससे स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? जो कलेक्टेड डेटा होता है उसका फर्दर हम एनालिसिस करते हैं। एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन एंड एट्सेट्रा। अब हम इस एनालाइज बेस्ड डेटा के हिसाब से एक टाइमलाइन बेस्ड प्लानिंग करते हैं जिससे हम अपने डिजायर्ड गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएं। प्लानिंग के बाद आता है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड उसके साइड बाय साइड ही मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन भी चलता रहता है ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि जो हमने प्लान किया है कि हमको ये गोल अचीव करना है वो टाइमली हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं एंड इस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो इस हिसाब से डेटा की मदद से हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। अब हम यशा से ये जानते हैं कि कैसे वो ईकी में डेटा की हेल्प से फार्म ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी बिल्ड करती है। सो यशा, हम फार्म पे किस किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं? सो हम फार्म्स पे लगभग सभी तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं, फार्म्स के क्लाइमेट से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड, प्लांट्स में प्लांट्स की फिजियोलॉजी देख लो, जिसमें हम उसका वेजिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लस्टर डेटा कलेक्ट करते हैं, हम नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स काउंट करते हैं, यील्ड से रिलेटेड डेटा होता है, प्लांट्स की जो रूट एरिया होता है उससे रिलेटेड डेटा, तो हम प्लांट्स और फार्म का कंप्लीट डेटा कलेक्ट करते हैं। सो ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है और आप किस तरह से स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं? तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली हमें वहाँ पे शो हो जाता है। हमारे पास इरिगेशन साइकिल्स फिक्स्ड हैं, इरिगेशन मोटर्स में हमने टाइमिंग्स फिक्स किए हुए हैं, कितने टाइम के लिए पौधे को पानी मिल रहा है, कितने टाइम तक हॉल्ट आ रहा है, ये सब हम ऑटोमेशन पे चलती हैं सब चीज़ें। सिमिलरली प्लांट के डेटा के लिए हमारे पास डेडिकेटेड टूल्स एंड डिवाइसेज हैं जिनसे हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूट क्वालिटी चेक करने के लिए उसका स्वीटनेस या सॉरनेस चेक करते हैं, तो उसके लिए हम रिफेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं जिससे हम उसका TSS कंटेंट यानी ब्रिक्स वैल्यू चेक करते हैं कि फ्रूट कितना मीठा है या कितना खट्टा है, ताकि हम उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इस डेटा का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली वहाँ डैशबोर्ड पे शो होता है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि फार्म पे कंडीशंस क्या चल रही हैं, प्लांट की कंडीशन कैसी है, अगर प्लांट स्ट्रेस में है, वाटर अपटेक प्रॉपर नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन अपटेक प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो इससे इसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, तो हमें पता चलता है वो स्ट्रेस में है तो उसमें डिजीज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ये पहले से ही पता कर लेते हैं कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फार्म पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे एक्शंस लेते हैं। सो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का मतलब डेटा का एनालिसिस करना। सो इन सब के लिए हम कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो ये जो डेटा हमारा फार्म पे कलेक्ट होता है डायरेक्टली डेटाबेस में जाता है, जो हम डैशबोर्ड्स के थ्रू उनको मॉनिटर कर पाते हैं इजीली। जो एनालिसिस पार्ट है हमारी जो डेटा है एक्सेल और गूगल शीट्स वगैरह में होता है, उसके अलावा हम पावर BI का भी यूज़ करते हैं, इन्हीं के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं आगे और मॉनिटरिंग भी इसी के थ्रू चलती है और इन्हीं की हेल्प से हम रिमोट मॉनिटरिंग कर पाते हैं फार्म की। सो इस एनालाइज डेटा का हम एग्जीक्यूशन पार्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं इनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। इन रिजल्ट्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स
जो हैं प्रॉपर्ली नहीं बन रहे हैं, फ्लावर्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे हैं, फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्जन अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या कुछ इश्यूज इस तरीके के आ रहे हैं, तो हम R&D टीम को इन्फॉर्म करते हैं. R&D टीम डिसाइड करती है कि क्या किस रीज़न से ये इश्यूज आ सकते हैं, उस पर ऑपरेशन टीम को गाइड करती है. सो इसी तरीके से एनालिटिकल टीम, ऑपरेशन टीम और R&D टीम के बीच एक ट्राइंगल बनता है. सो यशा, आपने ये बताया कि जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का जो क्लस्टर्स होते हैं उसका डेटा ऑपरेशंस टीम रिकॉर्ड करती है. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये ऑपरेशंस टीम ने सही से कलेक्ट किया होगा? तो इसके लिए ऑपरेशन टीम्स की जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं. वी ट्रेन देम कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उस डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है, उस डेटा को हम मॉनिटर करते हैं और टाइम टू टाइम उन्हें बताते हैं कि कोई फॉर एग्जाम्पल हाइट कम आ रही है, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो ये चीज़ें हम उन्हें बताते हैं, गाइड करते हैं और ट्रेन करते हैं कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए. सो इस तरह से हम जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनको भी ट्रेन करके हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं. सो यशा, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और ये समझ आया कि कैसे डेटा की हेल्प से एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया जाता है. वी होप कि आपको समझ आया होगा इस वीडियो से कि डेटा साइंस का कितना बड़ा रोल है एंड किस तरह से डेटा की हेल्प से हम एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं. वी वुड लव टू हेयर योर थॉट्स एंड फीडबैक ऑन दिस, सो कमेंट करके ज़रूर बताएं. अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद ईकी. बाय.